पीडब्ल्यूडी एस एस आर 2022-23, 2022-23 का एस एस आर इस्तेमाल करके हम ये एस्टिमेट बना रहे हैं। कुछ चीजें और अभी इसमें बातें करना बाकी है, जैसे मिसाल के तौर पे कवर शीट, इस पर अभी हमने काम नहीं किया है। फंड रेट पे भी हमने काम नहीं किया है, जीडी पर भी हमने काम नहीं किया। इसी तरीके से रिकैप पे कुछ बातें करना बाकी है। सबसे पहले हम मेजरमेंट शीट बनाते हैं, उसके बाद रेट एनालिसिस बनाते हैं, और रेट एनालिसिस के बाद अगर मटेरियल लग रहा है उस आइटम को तो मटेरियल की शीट बनाते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट की शीट बनाते हैं। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, काम करने का कोई ऐसा स्पेशल तरीका नहीं है, लेकिन इस तरीके से काम करने से थोड़ी आसानी होती है, जल्दी काम होता है और गलती नहीं होती है। अगर हम रोज रोज तरीके काम के बदलेंगे, कभी पहले एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, कभी मटेरियल शीट बनाएंगे, तो क्या होता है, काम करने के अंदर गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा काम होते हैं, एक दिन में 10-10, 15-15 काम होते हैं अगर, या उससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं, तो काम में फिर गलतियां होने लगती है। तो एक सिस्टम से काम किया जाता है जिससे काम करना आसान हो जाता है। अभी यहां पर देखिए, ये जीडी की शीट है हमारी। सबसे पहले मैं कंट्रोल पी करता हूँ, उसके बाद मैं देखो इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ये हमारी जीडी की शीट है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसे इक्वल करता हूँ, और ये मेरी मेजरमेंट शीट है। यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ, जो कि मेरा देखो ये बॉर्डर के तौर पे है। मर्ज करेंगे, रैप टैस करेंगे, इसे बोल्ड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टॉप एंड बॉटम बॉर्डर दे देंगे। मेरा कर्सर बॉटम में देखिए कैसा है, यहाँ पे ऐसा ड्रैग कर सकते हैं हम, ये वर्टिकली काम करता है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये आ जाता है। कुछ यहाँ पे देखो इसे रो या सेल छोड़कर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इक्वल करेंगे, ये मेजरमेंट शीट है, यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो ये आइटम नंबर 1 था हमारा, ये हॉरिजेंटली काम करता है, ये टॉप पे काम करता है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, इक्वल करेंगे, ये मेजरमेंट है, यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ, मर्ज करेंगे, रैप टैक्स करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, लॉन्चर बॉक्स पे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, ये वर्टिकल को टॉप कर देंगे, ओके करते हैं। बॉटम पे मेरा कर्सर देखिए कैसा है, इस तरीके से ड्रैग करते हैं, या फिर यहाँ क्लिक करेंगे फॉर्मेट रो हाइट, और यहाँ 25 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब हम जो भी चीजें सीख रहे हैं, थोड़ा मिक्सिंग सीख रहे हैं, ताकि हमारा रिविजन भी हो जाए और आगे हमारी शीट भी कंप्लीट हो जाए। ये दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। सिलेक्शन छोड़ने के लिए एस्केप प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इक्वल करेंगे, मेजरमेंट, इस पर क्लिक करके एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल मेजरमेंट, यहाँ पे क्लिक करके एंटर करना है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेट रो हाइट 25 टाइप करके एंटर कर सकते हैं। बाद में भी किया जा सकता है और साथ साथ में भी किया जा सकता है। यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, कॉपी, यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, इक्वल मेजरमेंट, ये 3 नंबर का आइटम है, इस पर क्लिक करके एंटर करेंगे। यहाँ पर इक्वल मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर करना है। यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, फॉर्मेट रो हाइट 25 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि रो हाइट 25 रखी जाए, आपके सहूलत के मुताबिक रख सकते हैं। तो अभी इस पे और भी काम करना बाकी है, अभी हमने थोड़ा सा काम कर लिया है। इसी तरीके से कल हम कवर शीट और फंडेड शीट पे भी कुछ काम करेंगे। यहाँ पर हमारी ये रिकेपिटुलेशन शीट है, जिसे जनरल एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं, आने वाले कल में इस पर भी हम बात करेंगे। अब हम इस पर आ जाते हैं, ये मेजरमेंट शीट है हमारी। सबसे पहले मैं कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, उसके बाद कीबोर्ड से एस्केप भी प्रेस किया जा सकता है, या फिर इस बटन पे क्लिक किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ जाती है। हमने मेजरमेंट में देखो ये रॉयल्टी का आइटम कंप्लीट किया है। इसका हम रेट एनालिसिस नहीं बनाएंगे, जो रॉयल्टी चार्जेस है उसके रेट फिक्स कर दिए गए हैं, इसलिए हम रेट एनालिसिस नहीं बनाएंगे। और ये एक ऐसा आइटम है जिसे मटेरियल नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी आइटम नहीं है, ये एक अलग से चार्जेस है, ये इसलिए मटेरियल की शीट भी नहीं बनेगी। तो देखो दो शीट कम हो गई,
अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट में। यहाँ पे डॉटेड लाइन लाने के लिए देखो इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद दोबारा ये नॉर्मल जो है मेरा ये इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन आ चुकी है। यहाँ पर मैंने एक टोटल ली है, इसे डबल क्लिक करके देख सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल की है। अब ये जो टोटल है ये आती है हमारी यहाँ पर रिकैप में जनरल एब्स्ट्रैक्ट में। अब ये रॉयल्टी की यहाँ पर अमाउंट आने वाली है, तो इसको देखते हैं कैसे काम करते हैं। देखिए कोई भी आइटम कॉपी कर सकते हैं हम, तो ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करेंगे और ये जो टोटल है उसके नीचे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इक्वल करेंगे, ये मेजरमेंट शीट है हमारा, ये आइटम है, इस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इक्वल करेंगे, मेजरमेंट है, यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर देखिए बोल्ड कर देते हैं हम, यहाँ इक्वल करेंगे, उसके बाद ये मेजरमेंट है और इस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ इसे, आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, तो मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं हम, कॉपी करेंगे, एक लाइन छोड़ देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आइटम नंबर है, ये रॉयल्टी चार्जेस है और ये एसएसआर है। एसएसआर का फिलहाल इसे कोई नंबर दिया हुआ नहीं है, मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इक्वल मेजरमेंट ये ए पे क्लिक करके एंटर कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से देखो ये मर्ज है, ये रैप टैक्स है, ये लॉन्चर बॉक्स है और यहाँ पर देखो जस्टिफाई और यहाँ पर टॉप है, ओके कर देते हैं। इसका बोल्ड निकाला जा सकता है, बोल्ड निकाल सकते हैं हम, ये सैंड है। अब यहाँ पर देखिए हमारी क्वांटिटी आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर इक्वल करेंगे हम, ये मेजरमेंट है हमारा और ये सैंड की क्वांटिटी है, यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद रेट होता है, क्वांटिटी के बाद रेट होता है, तो ये मेजरमेंट शीट है। यहाँ अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो देखो ये रेट है मेरा सैंड का। कंट्रोल सी कर लेंगे सिलेक्शन के बाद, ये एब्स्ट्रैक्ट शीट है हमारा और यहाँ पर देखिए डी में हमारा रेट होता है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ मैं और इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा यूनिट होता है, इक्वल करेंगे, मेजरमेंट है, यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। जब मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं दोनों का कैलकुलेशन यहाँ आ गया है। चेक करने वाले को ये बात आसानी से समझ जाती है, ये ए है, सैंड है, ये क्वांटिटी है और ये उसका रेट है, ये यूनिट है और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी इसका ये अमाउंट आ चुकी है। अब ये दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, आप एक लाइन छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी छोड़ सकते, तो मैं छोड़कर यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। ये जो जीरो आया है इसे डिलीट कर देते हैं। अब मैं ये ए है तो यहाँ पे बी रहेगा, इक्वल करते हैं, मेजरमेंट ये बी पे मैं क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वांटिटी होती है, इक्वल करेंगे, ये मेजरमेंट है, ये क्वांटिटी है हमारी बी की, एंटर करेंगे। यहाँ पे रेट लाना होता है तो मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, आखिर वाला ये रेट लेना है, कंट्रोल सी करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट शीट है, डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल वी करके एंटर करेंगे। यहाँ क्लिक करना है, इक्वल करेंगे, ये मेजरमेंट है, ये यूनिट है, एंटर करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये दोनों की टोटल आती है। ये दोनों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ क्लिक करता हूँ मैं और ये सम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करके यहाँ तक ऐसे ड्रैग किया जा सकता है और इंटर कर सकते हैं या राउंड टू भी लगा सकते हैं आप। यहाँ डबल क्लिक करता हूँ मैं और इसे बी कर देता हूँ, तो ये हमारा ए था, डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा बी था, डबल क्लिक करके ये चेक करते हैं। तो ये जो ए और बी की आई है अमाउंट, ये बी की अमाउंट है। अब ये जो बी की अमाउंट है देखो यहाँ पर ये रॉयल्टी चार्जेस है, ये बी है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, इक्वल करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट शीट है, इस पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो ये ए था हमारा, इससे भी कैसा लाया था हमने, इक्वल किया था, ये एब्स्ट्रैक्ट शीट है हमारी, यहाँ पे क्लिक किया था हमने और एंटर किया था।
इसी तरीके से सी भी बनाएंगे हम बाद में, यहाँ पे नीचे सी भी बनाएंगे और उसे भी इधर इक्वल करके लेकर आएंगे। अभी जीरो टाइप कर दिया हमने, तो इस तरीके से देखो अब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर हमारा ये रॉयल्टी चार्जेस आया है। जैसे अभी देखो ये मेजरमेंट शीट है, मेजरमेंट शीट के अंदर हमने रॉयल्टी को बनाया और रेट एनालिसिस नहीं बनाया क्योंकि उसका रेट फिक्स दे दिया गया है और इसे मटेरियल लगता नहीं है, इसलिए मटेरियल की शीट नहीं बनाई हमने। मेजरमेंट के बाद हमने क्या बनाया, अब्स्ट्रैक्ट शीट बनाई, और अब्स्ट्रैक्ट शीट जब हमने बनाई तो उसका एक अलग से किया टोटल। क्यों हमने अलग से टोटल किया, इसलिए कि जो ये एक ही अमाउंट होती है इसे कॉस्ट ऑफ वर्क पोर्शन कहते हैं। टेंडर के लिए इसके ऊपर कॉन्ट्रेक्टर अपना रेट कोट करता है और जो रॉयल्टी और क्वालिटी होती है उसके ऊपर अपना अब और बिलो का रेट कोट नहीं करता, इसलिए उसे अलग लिया जाता है। शेड्यूल बी में भी उसे अलग लिया जाता है। फिर भी कोई सवाल हो तो पूछिए साहब, फिर हम रुक जाएंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम कोई चीज बताते हैं तो बतलाते वक्त गलती हो जाती है या टेक्निकल गलती भी होती है, तो जो भी गलती हो जाए तो आपको थोड़ा समझ के लेना है, हम आने वाले वीडियो में उसे दुरुस्त करेंगे।